तुम्हारी
सडनली बहुत अच्छी हो गई है अब. आई थिंक मेरे घर का दस्तूर बन गया है कि बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, हमारे मेहमान बन जाते हैं. पहले बुरे होते हैं, फिर अच्छे बन जाते हैं, फिर वापस पता चलता है कि वो तो कभी अच्छे थे ही नहीं. तो आई थिंक ये उसका ये फेज़ है कि ये अच्छी बन गई है. तो अब आई होप कि अच्छी ही बनी रहे, पता नहीं. अच्छा, वैसे लुक की बात की थी आपका, ये जो लुक है वो काफ़ी हैप्पी सा लग रहा है. हाँ, सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई हैव गॉट अ न्यू लुक. एंड ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग फ्रेशनेस आ रही है. सो आई होप मेरे ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है. क्या चेंजेस आए, कुछ कहना चाहेंगे? कितने इनपुट्स आपके रहे? काफ़ी कुछ मेरा रहा है एक्चुअली. द बेस्ट पार्ट वॉज आई थिंक ये लुक चेंज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए रहा है क्योंकि जब पहली बार स्टाइलिस्ट ने और मैंने रेफरेंसेज एक्सचेंज किए, सो coincidentally they were exactly the same pictures that we exchanged, exactly the same pictures. So I was on the, so on the same page ki mujhe is tarah ka corset type ka blouse chahiye, aise tarah ka chahiye aur plain sarees chahiye, and she was also on the same page. So I think that's why it's a mutual thing jo hum dono ne almost sab kuch ek saath decide kiya. Right, jaise ki aapne kaha tha ki gentlemen log aapke yahan acche hote hain fir bure ho jate hain fir wapas acche ho jate hain, to kahin ye jo buri wo achhi bani hai to unka koi ye chaal to. मैं वही कह रही हूँ कि आई होप इसके साथ ऐसा ना हो. अब होगा या नहीं होगा वो आगे देखेंगे. वैसे वही सिमर को तो हम देखते ही आ रहे हैं इतने टाइम से, उसकी उनकी जो पॉजिटिविटी है स्क्रीन पर, लोग शायद उनसे इंस्पायर होते हैं. तो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हो आप? पता नहीं.
सिमर इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाती है, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू एट ऑल. मतलब रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आए जितनी ससुराल सिमर का में आई है, मुझे नहीं लगता. सबसे पहली बात, रियल लाइफ को ससुराल सिमर का से थोड़ा सा भी हमें कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज हमारा शो अभी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो चुका है. सो रियल लाइफ से इसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं. बट हाँ, जहाँ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी किसी से भी लड़ने मारने पर उतर आएगा, डेफिनेट सी बात है. बट हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इतनी दयालु होंगी कि अपने ही दुश्मन को हॉस्पिटल लेकर के जाऊँ. मैं हमेशा यही कहती हूँ फैंस को, हमेशा यही कहती हूँ कि थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग इतना सारा प्यार हमें देते हैं और इतना हमारे शो में इतने हाई ड्रामेटिक एंड्स आते हैं. आप उसको पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं वो हमें समझ में आ जाता है, तो हम जल्दी से बदल लेते हैं. सो जस्ट वेट, द नेक्स्ट ट्रैक इज़ समथिंग रियली एक्सपेरिमेंटल एंड समथिंग रियली एक्साइटिंग. सो हमें भी उस ट्रैक के बारे में सुनकर जानकर थोड़ा ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है. सो आई होप यू ऑल लाइक इट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग अस. थैंक यू सो मच. बिल्कुल. जो देखिए, चंद्रमणि जो है वो कभी बुरी नहीं थी, वो तो अच्छी ही थी. उसको सिमर के पास रखा गया था कि वो सिमर की रक्षा कर सके, तो सिमर ने ख्याल नहीं रखा. सिमर शुड चेंज अ डायलॉग. सिमर ने चंद्रमणि का ख्याल नहीं रखा, इस वजह से चंद्रमणि को गुस्सा आया और चंद्रमणि ने जो भी चीज़ें की वो इसीलिए की. लेकिन अभी चंद्रमणि बहुत बुरी हालत में है और सिमर इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हैं कि हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छे मन से करना चाहिए. और वो चंद्रमणि के साथ करी हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चंद्रमणि का चेंज ऑफ हार्ट हो और वो सिमर को सपोर्ट करें इन सब चीज़ों में और उसकी सहायता करें. हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो जाएं और सिमर और चंद्रमणि बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं और हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक है वो भी चंद्रमणि, सिमर और कुछ एक और चीज़ें हैं जो कि उलझी हुई हैं वो दोनों के बीच में बहुत कुछ होने वाला है. तो अभी हमें भी नहीं पता कि क्या चीज़ें क्या मोड़ लेकर आने वाली हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रैक है, क्योंकि मुझे लगता है कि टेलीविज़न के इतिहास में कभी ऐसा ट्रैक नहीं आया है. सो होपफुली लोगों को बहुत मजा आएगा, इनफैक्ट बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आएगा. लास्टली ये इतना बदलाव कैसे आ रहा है कि चाकू उन पर लग रही थी और आपने अपने आप पर ध्यान ले लिया, तो इतना बदलाव कैसे? मैंने कहा ना कि अच्छे लोगों के साथ अल्टीमेटली अच्छा ही होता है.